कि आप सब लोग चट्टान की तरह खड़े हुए मिलकर के आगे बढ़े और जो कठिन कार्य था उस कार्य को पूरा करके दिखाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके यहां का मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा, जिसको हम बोलते हैं ना पहाड़ी में बोलते हाथे बेटे हाथे बेटे, मतलब बिल्कुल ऐसा मुकाबला हुआ। कभी हम कुछ सुनने लगे कभी कुछ सुनने लगे, लेकिन हमें मालूम था कि निर्णय जो है वो अंतिम राउंड पर होगा, लास्ट राउंड होगा, उसमें निर्णय होगा और निर्णय हमारे पक्ष में होगा। ये हमको लग रहा था कि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, धर्म विधानसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आप सबको आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ और इस जीत के लिए, एक अच्छी जीत आपने इस विधानसभा क्षेत्र में हासिल की, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब मुझे उन सारी बातों पर नहीं कहना है जो यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता कहा करते थे कि अनुभव मेरे पास है और वो हमेशा इस बात को कहते थे सीनियरिटी भी मेरे पास है, एक्सपीरियंस। और मुझे तो कहते थे कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मंडी, उनको एक से एक उनके रुचि का विषय था कि जहां से मंडी जाते थे मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि अनुभव की बातें करते थे कि अनुभव नहीं है बोलते। अब अपने मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाह रहे, वो तो मंत्री भी रहे हम तो 5 बार विधायक होने के बाद मुख्यमंत्री बने, हम मंत्री रह करके उसके बाद मुख्यमंत्री बने। इसलिए मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मंडी की जीत पर हमें खुशी हुई, लेकिन अगर प्रदेश में भी अगर हम जीते होते थे कुछ इस जीत का जश्न ही कुछ और तरह का होता, वो कभी छूट गई। और उस कमी को हम महसूस भी कर रहे हैं, जिस तरह चट्टान की तरह खड़े होकर के हमारे मंडी ने साथ दिया, अगर ये साथ थोड़ा कहीं और से भी मिला होता तो आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही। सारी चीजों को लेकर के आकलन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, कहां कमी छूट गई पर आज कहने की बात। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goyalmotors.com पर।